जस्ट ऐसे इंडिया के फेस वॉश के बारे में बताऊंगी जो आपको बिल्कुल ही जानना चाहिए और जो मैंने पर्सनली यूज किया है। एंड बिना यूज किए मैं कोई चीजें नहीं बताती हूँ। यूज करना इसलिए जरूरी है कि जब आप किसी चीज को यूज करोगे तभी आप उसके बारे में उसके फायदे नुकसान या कुछ भी जान सकते हैं। तो मैं जो बात करने वाली हूँ इंडिया के जो थर्ड नंबर पे जो रैंकिंग आती है मेरे हिसाब से जिसको मैं देना चाहूंगी अकॉर्डिंग फेस वॉश आपके जो ड्राई स्किन के लिए एक्ने के लिए पिंपल्स के लिए जिसको आप बिल्कुल आंख बंद करके यूज कर सकते हैं वो आता है आपका लैक्मे का ब्रांड। लैक्मे का जो ये ब्रांड है ठीक है इसमें आप देख सकते हैं कि ब्लश एंड ग्लो लिखा गया है, जेल विथ पीच एक्सट्रैक्ट है, मतलब कि इसमें आपके पीच के जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं। पीछे अगर हम इसमें देख लेते हैं खासकर चीजें और क्या क्या है तो देखिए इसमें लिखा है कि आपका ग्लिसरीन है, सोडियम लिथ्राइड सल्फेट है एंड आपका परफ्यूम क्लोराइड एंड कुछ कुछ और चीजें जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी सोल्यूशन बनाने के लिए फेस वॉश के लिए। तो ये है, मैं आपको बताऊं मैंने इसको 4 महीने पहले इसको यूज किया था और अच्छा था, काफी अच्छा है। लैक्मे का ब्रांड अच्छा होता है, ब्रांडेड होता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको थर्ड रैंकिंग क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इसका यूज करने के बाद से सडनली फर्स्ट टाइम तो मतलब आपका चेहरा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद से ड्राइनेस स्टार्ट हो जाती है एंड उसके बाद से आपको कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजर एंड बाकी चीज यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके कहीं ना कहीं व्हाइटनिंग पार्ट जो है चेहरे के किसी ना किसी हिस्से में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसकी वजह से थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होने लगी, मुझे पहले फेस वॉश यूज करना पड़ता था, उसके बाद जाके मुझे किसी ग्लिसरीन या कुछ ऐसा मॉइस्चराइजर ढूंढना पड़ता था जो कि मुझे थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल सा फील होता था। अगर मैं कहीं बाहर घूमने जाऊं और अगर मैं सोचूं कि मुझे कम से कम सामान रखना है तो मुझे कम से कम ये रखना पड़ेगा, इसके साथ मुझे किसी मॉइस्चराइजर को रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं इसको थर्ड रैंकिंग दूंगी। बाकी आपको अगर ये अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं और काफी अच्छा है, मैं इसमें कोई बुराई नहीं कह रही हूँ, बट ये मेरे अकॉर्डिंग सारा सजेशन है। तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अच्छा है, काफी है, ब्रांडेड है और थोड़ा सा प्राइस इसका मुझे थोड़ा ज्यादा लगता है बाकी लोगों के कंपेयर में, क्योंकि बाकी जो मैं आपको ब्रांड बताने वाली हूँ वो आपको अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है और मैंने छोटा पीस ही ट्राई किया था, तो बिल्कुल आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो हमने बात किया है थर्ड नंबर पे अपने लैक्मे ब्रांड के, अब हम बात करने वाले हैं जी हम सेकंड नंबर पे रखना चाहेंगे हमारा जो ब्रांड नेम है वो है फेयर एंड लवली। ठीक है, फेयर एंड लवली जो है मैं इसको सेकंड रैंकिंग पे इसलिए रखूंगी क्योंकि मैं इसको अभी फिलहाल मैंने 1 वीक मैंने इसको ट्राई करने के लिए यूज किया। मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि मैं कौन सा स्पेशली फेस वॉश यूज करती हूँ और उसके क्या फायदा है, लेकिन उसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर देना, अपने दोस्तों को ये वीडियो दे देना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये चीजें नहीं पता होती हैं और वो अगर हमारे चैनल पे आते हैं तो उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अगर कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया है मेरा या कोई बात नहीं समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे सेकंड नंबर पे आपके फेयर एंड लवली, जैसे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है यहाँ पे ग्लो एंड लवली फेस वॉश, उसमें कोई कमी नहीं है, ग्लो तो काफी अच्छा देता है और मतलब इसमें एक चीज लिखी हुई है कि इंस्टेंट ब्राइटनिंग ग्लो। तो इसका मैं आपको मतलब बता दूं कि इंस्टेंट ब्राइटनिंग ग्लो का मतलब जैसे लोगों हमारे ऐसे भी ऑडियंस है जिनको ये चीजें नहीं बता पा रही हो अच्छे पा रही होगी तो मैं उनके लिए बता रही हूँ। इंस्टेंट ब्राइटनिंग, इंस्टेंट का मतलब होता है जो भी चीज तुरंत आपको देखने को मिले, मतलब आपने तुरंत क्रीम लगाया आपको असर तुरंत देखने को मिले। तो कंपनी ये क्लेम करती है कि ये इंस्टेंट ब्राइटनिंग ग्लो देते हैं। अब बात करते हैं कि क्या सच में ये इंस्टेंट ब्राइटनिंग ग्लो देते हैं, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं आपको बताऊँ मैंने 1 हफ्ते पहले इसको लिया था और अभी भी देखिए ये पूरा पैक अभी भरा ही हुआ है, क्योंकि मैं इसको जब भी मैं अपने ऑफिस से वापस आती हूँ एंड जब जाती हूँ तो मैं इसको दिन में दो टाइम यूज करती हूँ एंड फेस वॉश जनरली 2 टाइम ही आप यूज करिए, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा अदर केमिकल्स चीजें होती हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके फेस के अंदर जाके उसको नुकसान भी पहुंचा सकती है, तो किसी चीज की ज्यादा मात्रा आपको नुकसान कर सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इंस्टेंट ग्लो की, इंस्टेंट ग्लो ये जो क्लेम करते हैं कि इंस्टेंट ग्लो हम दे देते हैं, तो कंपनी का ये कहना काफी हद तक सही है और मैंने भी देखा है कि जब मैं इसको यूज कर रही थी उसके मतलब मैं आपको बताऊं 3 से 4 मिनट के बाद से मुझे लगा कि हाँ मेरे चेहरा जो है काफी ज्यादा व्हाइट दिख रहा है, मतलब जैसे आप फेयर एंड लवली क्रीम लगाते हैं उसका चेहरा थोड़ा व्हाइट हो जाता है, बिल्कुल वैसा लग रहा था। एंड जब मैंने अपने स्किन को ऐसे टच करके देखा तो मैं आपको बताऊं जो एहसास था वो बहुत ही सॉफ्टी एहसास था। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि खासियत एक और चीज मुझे लगी कि इसमें मुझे अलग से मॉइस्चराइजर यूज नहीं करना पड़ेगा, मतलब मेरी जो स्किन है वो ग्लोइंग भी लग रही थी, फटी फटी भी नहीं लग रही थी और कहीं ना कहीं पैसा वसूल था।
अब मैं बात कर लेती हूँ उसकी प्राइस की कि ये जो छोटू वाला पैक अगर आप लेना चाहेंगे तो उसका प्राइस क्या है। तो देख सकते हैं इसका प्राइस आपका 72 रुपीज है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अफोर्डेबल प्राइस के रेंज में आप कौन सा लें तो ये सेकंड नंबर पे है और काफी अच्छा है, ब्रांडेड है। फेयर एंड लवली के बारे में किसको नहीं पता, फेयर एंड ग्लो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अच्छा है, ट्राई कर सकते हो और बढ़िया है, तो जरूर इसको एक बार ट्राई करना। हम बात करने जा रहे हैं हमारे नंबर वन पे और आप सब एक्साइटेड हो रहे हैं जानने के लिए कि मैं कौन सा पर्सनली रिकमेंड करने वाली हूँ। और ये जो मैं फेस वॉश बताने वाली हूँ ये मैं अभी से नहीं लगा रही हूँ, मैं कम से कम मैं कह सकते हैं सालों से लगा रही हूँ, सालों इन द सेंस की कम से कम 4-5 साल से मैंने अपना कोई ब्रांड चेंज नहीं किया है। हाँ, बस थोड़ा सा चेक करने के लिए कि बाकी ब्रांड्स जो क्लेम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसको देखने के लिए जरूर मैंने एक बार ट्राई किया जिसका मैंने आपको अभी रिव्यू दिया। लेकिन आप मैं बात करने वाली हूँ नंबर वन की, जिसको आप आंख बंद करके यूज कर सकते हैं, ना ही इसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं, ना ही चेहरे को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। अगर आपको थोड़ा मोड़ा पिंपल्स है या चेहरे पे थोड़ी मोड़ी प्रॉब्लम है या एक्ने की भी प्रॉब्लम है और अगर आप इसको यूज करते हैं पार्टी या फिर कभी भी डेली यूज के लिए भी यूज करते हैं ना, तो ये नुकसान नहीं करेगा। मैं सच्ची बता रही हूँ, नहीं करेगा, क्योंकि मैंने खुद ट्राई करके देखा है और मेरे चेहरे पे वैसे मैं बताऊं कि कोई एक्ने कोई पिंपल की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी जो होता है जनरली हो ही जाता है एक्ने एंड पिंपल थोड़ी थोड़ी, तो भी मैं इसको रेगुलर यूज किया और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी। अब हम बात कर लेते हैं कि किस ब्रांड की हम बात कर रहे हैं। तो जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं आपका हिमालय का। और हिमालय में भी मैं आपको बता दूं जो आपका केसर फेस वॉश आता है ना, बिल्कुल आप इसको ट्राई करिएगा। और मैंने, आप देख सकते हैं, मैंने कोई छोटू पैक नहीं लिया, मैंने बड़ा वाला पैक लिया है क्योंकि मैं इसकी रेगुलर यूजर हूँ और मेरे हिसाब से हिमालय कंपनी जो है बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में, किसमें ऐसे क्या खासियत है जो बाकी कंपनीज में नहीं है। हिमालय का ब्रांड जो है एक आपका नेचुरल चीजों पे, बायोलॉजिकल चीजों पे काम करता है। इट मींस कि आप हिमालय का, आपने दवाएं भी सुनी होंगी हिमालय का, आपने कई सारी ऐसी चीजें देखी होंगी जो कि आपके जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ या कुछ अगर आपको कुछ भी हार्मोनल प्रॉब्लम है, हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको हिमालय का हर ब्रांड मिल जाएगा। और अगर मैं फेस वॉश की भी बात करूं तो मैंने खुद, मैं फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको लिया तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था ये ब्रांड पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, लेकिन जब मैंने इसको यूज किया टोटली सेटिस्फाइड थी, कुछ भी कमी नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं मेरा, मैं आपको प्राइस की बात करूं, प्राइस भी तो बहुत ज्यादा इसका हाई नहीं है कंपेयर करें अगर बाकी ब्रांड से। इतना बड़ा मैंने पैक लिया है, प्राइस आप देख सकते हैं ओनली 130 रुपीज है। तो 130 रुपीज में मुझे अगर इतना अच्छा क्वालिटी मिलता है जिस, एंड दूसरी चीज देखिए केसर इसमें, ये जो फेस वॉश है वो केसर वाला है और मैं सिर्फ यही वाला लेती थी। हिमालय में तो और भी बहुत सारे आते हैं, आपके नीम फेस वॉश होता है एंड बाकी जो होते हैं रोज फेस वॉश होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन केसर वाला ही स्पेशली मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि केसर का मेन जो आयुर्वेदिक गुण ये होता है कि चेहरे में ये निखार लाता है। केसर के और भी बहुत सारे गुण होते हैं तो वो मैं कभी आपको बाद में बताऊंगी, या जिसको पूछना होगा तो बोलना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है ना, यही हमारे चेहरे पे एक निखार लाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा ब्रांड सेलेक्ट करना है। मैं लास्ट में जरूर बोलना चाहूंगी कि मैं किसी ब्रांड की बुराई नहीं कर रही हूँ, ना मुझे ये, मेरा ये कहना है कि अगर आप कोई दूसरा ले लेंगे तो वो खराब है, ठीक है। मैं खराब की मैंने इसमें कोई बात नहीं की, मैंने बताया है आपको इंडिया के टॉप 3 ब्रांड जो कि आप रिकमेंड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एंड मैंने अपने अपने पर्सनल रिव्यू से आपको बताया है। अगर आपने भी इन ब्रांड्स को यूज किया है और आपको कुछ इसमें फायदा या नुकसान दिखा है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हो सकता है किसी दूसरे का भला हो जाए और मुझे भी जानने को मिल जाएगा, क्योंकि सीखना कोई गलत बात नहीं होती, किसी ने सीखा है मैंने सीखा है तो मैंने इस पर आपकी वीडियो बनाई। तो वीडियो कैसा लगा यार जरूर बताना, और बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, घर में बहुत काम होते हैं लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं आज का कंटेंट अपने दोस्तों मित्रों यारों और अपने यूट्यूब के जो ऑडियंस है उनके लिए बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं, मैं अपने अगली वीडियो में एक फिर से नए जोश के साथ आऊंगी, नई टॉपिक के साथ आऊंगी और ऐसा टॉपिक लाऊंगी जो कि सब धुआं धुआं कर देगा। तो मजा आया ना आज की वीडियो में, जरूर बताना, मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। तो बाय बाय।